बातचीत आज हम करेंगे जनाब कामरान बुखारी साहब के साथ यूक्रेन रशिया के मसला पर। लेकिन जब मैं यूक्रेन रशिया कहता हूं तो मुझे यूं कहना चाहिए रशिया और वेस्टर्न वर्ल्ड, नेटो और उसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बड़ी ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। यूक्रेन से जो खबरें आ रही हैं वहाँ पर भी तैयारियाँ भरपूर तरीके से जारी हैं कि इन केस रशिया इन्वेड करता है, लेकिन उस तरह की तैयारियाँ नहीं जिस तरह की तैयारियाँ बोल बचन में वेस्टर्न वर्ल्ड के लीडर से सुनने और देखने को मिल रही हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने तो चंद बार यहाँ तक कहा कि भाई इतना पैनिक ना क्रिएट करें। जुड़े हुए हमारे साथ वाशिंगटन से कामरान बुखारी साहब, वेलकम कहते हैं कामरान बुखारी साहब को। कामरान साहब, जो नई डेवलपमेंट है उसमें रशिया ने ये साबित करने की कोशिश की कि हम कुछ अपनी अफवाज वापस भेज रहे हैं और अमेरिका ने कहा कि आप नहीं भेज रहे, ये आप झूठ बोल रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ ऐसे वीडियो रिलीज किए जिसमें कहा कि कुछ जीनोसाइड रशियन नजाद लोगों का यूक्रेन में हुआ, उसको भी यूक्रेन ने भी और वेस्टर्न वर्ल्ड ने रिजेक्ट कर दिया। सूरत हाल इस वक्त ग्राउंड पे आज के दिन क्या है? देखिए, इस वक्त जो है इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस चल रहे हैं। इस वक्त दोनों जानिब से एक दूसरे की परसेप्शन शेपिंग की जा रही है। बिसाब जो है जिसके ऊपर अमरीका यानी जो बाइडन की इंतजामिया और सदर पुतिन की हुकूमत बैठी हुई है, दोनों तरफ जो चेस बोर्ड है वो गर्म है। उसमें देखें बात सारी इतनी है कि ये हमें समझने की जरूरत है कि ये जो धमकी दी जाती है कि हम जंग कर देंगे, हम ये कर देंगे, यहां तक के धमकी के जो से आगे भी बढ़ा जाता है, जहां पे आप देखते हैं कि फौजों की तैनाती होती है और असले की तैनाती होती है, मिसाइलों की, टैंकों की, बख्तरबंद गाड़ियों की, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। ये भी जो है इसकी इस बात की अलामत नहीं है कि जंग होगी। देखिए, जंग जो है ना वो बजाते खुद कोई एक एंड गेम नहीं है, यानी कोई गोल नहीं है जंग करना या किसी जगह को जो है ना वो आप काबिज हो जाना। क्योंकि आजकल ये बिलखसूस जो है अफसोस से कहना पड़ता है कि अमेरिका के अंदर और हमारे जो साथी हैं ये पॉलिसी सर्कल्स के अंदर, उनमें से बेशतर लोग जो हैं वो इस चीज में वो इन सिग्नल्स को ऐसा देखते हैं कि जैसे बस जंग हुई के हुई, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा बैठ के कि भाई अगर रूस जंग कर लेता है, हमला कर देता है, तो क्या मैदान उसके लिए खुला है? क्या इतना आसान है रूस के लिए जो है इतने बड़े मुल्क के ऊपर कब्जा कर लेना कि जहां पर जो है आधे से ज्यादा जो मुल्क है वो रूस के खिलाफ है? देखें, कोई लोग भूल जाते हैं कि अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है, और लेकिन उसको भी कितनी मुजाहमत का सामना करना पड़ा इराक और अफगानिस्तान के अंदर, और इससे बड़े पैमाने पर तैयारी थी, सोचा समझा मंसूबा था कम अज कम इराक के अंदर के जो है मिलिटेरली रेजिम चेंज की जाए। ठीक है, अफगानिस्तान में तो ये हुआ ना कि अच्छा यार आज ये कर लेते हैं कल वो कर लेते हैं, और करते कराते को लाख फौज बिठा दी गई। लेकिन इराक में तो जो है बड़े पैमाने पे जो है जंग की गई थी, लेकिन उसका क्या हशर हुआ, उसके क्या नतीजे निकले, वो सबके सामने है। तो ये मान लेना कि इस वक्त सदर पुतिन जो है बस वो और उनके साथी इस बात को मतलब आमादा हो चुके हैं, तय कर लिया है कि उन्होंने बस जूं ही मौका मिलेगा, जूं ही वो समझेंगे कि जो है वो सही वक्त है तो वो जो है वो बटन दबा देंगे और फौजें अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएंगी और जंग शुरू हो जाएगी। देखिए, जंग जो है वो अगर किसी ने वाकई जंग करनी है तो उसमें पहले एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होने की जरूरत है कि आपको लोगों को पहले से इत्तला ना करें। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कई महीने होने चले हैं कि बाकायदा तौर पे क्रेमलिन की तरफ से टेलीग्राफ किया जा रहा है। क्या उनको नहीं पता कि आजकल की कमर्शलाइज सैटेलाइट इमेजरी की जो कारोबार है, जिस दौर में हम रहते हैं, वहां पे अगर आप एक गाड़ी भी मूव करते हैं तो सैटेलाइट को पता चल जाती है। उनको बाखूबी पता है, लेकिन वो फिर भी अपनी फौजों को हिला रहे हैं, कभी इधर कर देते हैं, आज इधर बिठा देते हैं, कभी कहते हैं बेलारूस में हम जा रहे हैं, कभी कहते हैं जी हमने जो है वो ऐसा जो है वो अमल करते हैं कि जिससे ये पता लगता है या कम से कम ये तासुर मिलता है कि जो यूक्रेन का जो कैपिटल है कीव उसको सराउंड करने की बात की जा रही है, कभी कुछ कभी कुछ। ये वो जानबूझ के कर रहे हैं,
ये वो जानबूझ के इसलिए कर रहे हैं कि वो दूसरी साइड से, यानी अमेरिका और यूरोप और जो मगरबी इतिहाद है उससे कुछ हासिल करना चाहते हैं, और वो जो है वो ज्यादा अहम है। जंग जो है वो एक टूल है, लेकिन कोई जंग नहीं करना चाहता, क्योंकि जंग एक ऐसी चीज है, और रूस से बेहतर कौन जान सकता है कि जब हिटलर ने वर्ल्ड वॉर टू में किस तरीके से जो है चढ़ाई कर दी थी और कितना नुकसान हुआ था, तो और फिर अफगानिस्तान का जो हशर हुआ था रूसियों का 80 की दिहाई में, वो भी उनको अच्छी तरीके से याद है। तो ऐसा नहीं है कि वो जंग चाहते हैं, जंग अगर करनी पड़ी तो हो भी सकती है, लेकिन जंग हदफ नहीं है। और मैं नहीं समझता कि सदर पुतिन इतने इरेशनल हैं, चाहे उनकी आइडियोलॉजी कुछ भी है, लेकिन क्या वो इतने इरेशनल हैं कि वो लेने के देने हो जाएं, यानी अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ा मार दें, ऐसा इकदाम कर लें कि जहां जो हासिल करने चले थे वो तो मिला नहीं, जो था वो भी गंवा दें, ऐसा नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इन जितनी तैयारियां हैं, जितने भी खबरें आती हैं, उसको जो उनका जियोपॉलिटिकल हदफ है और उनकी कैपेबिलिटीज जो हैं, जो उसकी लिमिटेशंस हैं, उसके जाविये से समझने की जरूरत है। देखिए कामरान साहब, आप कह रहे हैं कि सदर प्यूटन जंग करना गालबन नहीं चाहते, और उन्होंने भी यही स्टेटमेंट्स दी। अभी कल ही उन्होंने कहा कि भाई हम इस खेल में नहीं हैं कि हम जंग लड़ना चाहते हैं, मगर हम नहीं चाहते कि वेस्ट जो है, अमेरिका जो है, नेटो जो है, हमारी सरहदों के ऊपर आन खड़ा हो। लेकिन अमेरिका और अमेरिका की वजह से जो नेटो के ऑफिशियल्स हैं वो बार बार कह रहे हैं जी कि अगले 3 रोज़ में इन्वेड कर लेगा रशिया यूक्रेन को, अगले हफ्ते कर लेगा, फलां ये जो सेलिब्रेशन आ रही है उसके आसपास कर लेगा। तो ये बात तो वो भी समझते हैं कि शायद ऐसा नहीं होने वाला। तो फिर इस तरह की जो कोट अनकोट, जिसको खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा कि पैनिक ना फैलाएं, ये पैनिक फिर क्यों फैलाया जा रहा है? देखिए, ये भी समझने की जरूरत है, मैंने जैसे शुरू में कहा इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस की जो है का जो लॉजिक है उसको समझने की जरूरत है। देखें, सदर पुतिन जो मर्जी कहते रहे, हमें उनकी बात पे कतन यकीन नहीं करना चाहिए। उनके जहन में क्या है, उनके दिल में क्या है, ये तो खुदा जानता है, लेकिन हम उनकी जो जू का तू, जो उनके जो रेटरिक है कि जी हम नहीं, हम जंग नहीं चाहते, हम तो दिफाई तौर पे जो है ये सारी तैनाती की है, हम तो खुद जो है अपना दिफा कर रहे हैं, तो हम तो कोई मतलब जारहाना कार्रवाई नहीं कर रहे बल्कि अपना दिफा कर रहे हैं, ये उनका बयानी है। उस बयानिए को के ऊपर हमें ना कभी भी उसको जो है ना जू का तू नहीं लेना, उसको एनालाइज करने की जरूरत है। इसी तरीके से जो जो गैर जानेदार एनालिसिस है, ठीक है हम अमरीकी हैं, हम ये हमारा मुल्क है, हम मगरब का हिस्सा है, चाहे कैनेडा के अंदर है, यूके के अंदर है, यूरोप के अंदर है, ये हमारी एक जो है वो तहजीब है, और ये हमारा ब्रॉडर सिविलाइजेशन है, हम जो है ना एक ही इत्तेहाद का हिस्सा है, लेकिन एनालिसिस ये की मांग ये है कि आप तमाम एक्टर्स को, अगर आपने समझना है कि हो क्या रहा है, आपने तमाम एक्टर्स के बयानात को और उनके जो इकदामात को प्रॉब्लमेटाइज करना है, आपने उसको एनालाइज करना है कि हो क्या रहा है, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना हो क्या रहा है। ठीक है, हुकूमत का काम है जो है, अमेरिका की हुकूमत का, बाइडन इंतजामिया का काम है अमेरिका के मुफादात की दिफा करना, ये उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है बहसियत जो तजिया निगार हैं और जो जर्नलिस्ट बरादरी, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है कि उनके बयान और उनके इकदाम को समझने की जरूरत है, ताकि हम कम अज कम पब्लिक को बेहतर तरीके से आगाह कर सकें कि वो क्या रहा है। तो जब अमेरिका ये कहता है, या इत्तेहादी मुमालिक जो है वो ये कहते हैं, आज एस्टोनिया की जो है वो कल या आज की बात है, उनकी इंटेलिजेंस सर्विस ने कहा है जी कि वो कोई जो है ना हमला होगा या क्या होगा, या उन्होंने जो है वो फलां जो है जगह पे अब हरकत में आ गई उनकी फौजें, तो ये जो बदस्तूर हमें इंटेलिजेंस लीक्स मिल रही हैं, ये क्यों मिल रही है? ये इसलिए मिल रही हैं कि देखें, किसी को भी नहीं पता कि क्या होगा, ना सदर बाइडेन को पता है कि पुतिन क्या करेगा, ना पुतिन को खुद पता है कि वो क्या करेगा, ना सदर बाइडेन को खुद पता है कि वो क्या करेगा। ये एक बड़ा ही डायनामिक जो है ना सिचुएशन है। इस जब आप ब्रिंक्समैनशिप में आ जाते हैं, इस किस्म के हालात पैदा हो जाते हैं, तो वो हालात अपने जो जो जिसे कहते हैं ना बेकाबू हो जाते हैं, आपके पूरे गिरफ्त में नहीं होती कि आप जो है
चूंकि आप सदर बाइडन है, क्या सारे हालात आपके जो ना कब्जे में? नहीं, अगर हो तो फिर ऐसा तो ना हो ना। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि इसमें जब आप ये इंफॉर्मेशन ऑपरेशन करते हैं, आप कहते हैं कि जी वो आने वाले हैं, वो करने वाले हैं, पहली बात तो उसमें ये है कि इसमें आप वो बेसिकली जो है, अगर कल को जंग हो जाती है तो आप ये कह सकते हैं कि हम पहले से कह रहे थे, ठीक है, कि हम पहले से कह रहे थे कि ये जंग होगी और देखें हो गई, हम गलत नहीं थे। तो वो आप जहन साजी कर रहे हैं अपने मुल्क में लोगों की, अपनी पब्लिक की, मगरबी इत्तेहादी दुनिया की, और मतलब पूरी दुनिया के ऊपर आपने बेसिकली, आपकी खबरें जा रही हैं, आप लोगों को तैयार कर रहे हैं, जहन साजी कर रहे हैं। दूसरा, आप जो है, जो सबसे ज्यादा जो अहम चीज है वो ये है कि आप सदर पुतिन को की ब्लफ कॉल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर आप जो है ये कहते हैं कि जी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम ये कर देंगे या हम ये करेंगे, तो आप कर लें, करके दिखा दें, और आप उनके लिए जो है हालात को मजीद जो है वो खराब कर रहे हैं, इन द सेंस के अब अगर हमला होता है, अमेरिका कह रहा है हमला होगा, अमेरिका के जो है एलाइज कह रहे हैं हमला होगा, अब अगर सदर पुतिन हमला कर देते हैं तो वो जो है बुरे जाने जाएंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जस्टिफाई करना कि क्यों किया आपने हमला। तो आप अगले की जो ऑप्शंस हैं उनको आउट मैनूवर करने की भी कोशिश करते हैं। सो जब आपके पास कोई हल नहीं है, क्या अमेरिका जंग चाहता है? नहीं चाहता, ठीक है। तो ये अमेरिका के इस जो हिकमत अमली है इन तमाम बयानात के ऊपर कि भाई जो है वो कल हमला हो जाएगा, कुछ दिनों में हो जाएगा, यहां तक के कहा कि भाई वो 16 तारीख को हो जाएगा या बुध वाले दिन होगा, ये जो भी बातें हो रही थी वो उसके पीछे ये हिकमत अमली कार फरमा दी। जहां तक अब यूक्रेन के सदर का ताल्लुक है, देखें यूक्रेन के सदर के पास भी मुख्तलिफ जो है गोल्स हैं। एक तरफ तो वो भी चाहते हैं कि हमला ना हो, तो उनके लिए ये फायदे की बात है जो भी अमेरिका कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी देखना है कि अपने मुल्क में पैनिक ना क्रिएट करें, क्योंकि अगर बार 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 यही कहा जाता है, यहां तक के जो हमारी इंटेलिजेंस एनालिसिस बरादरी के जो लोग हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं इन बातों से, उनमें से भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बस जी इस दफा तो पुतिन ने ठान रखी है कि वो करेगा ही करेगा और जो है ना जंग होने वाली है। तो आप सोचें कि यूक्रेन के अंदर जो के बैटल ग्राउंड बनेगा, वहां की आम आवाम के दिमाग और दिल के ऊपर क्या गुजर हो गया, तो उसको भी तो मैनेज करना है ना। इसलिए सदर ज़ेलेंस्की जो हैं वो ये भी बयान दे रहे थे कि ठीक है हालात खराब हैं, लेकिन हमें जो है वो इस किस्म की जो वो स्वीपिंग जनरलाइजेशन या अलार्मिस्ट किस्म की जो खतरे की जो घंटियां बज रही हैं उससे गुरेज करने की जरूरत है। तो वो दोनों चीजों को बैलेंस कर रहे हैं, एक तरफ हमला नहीं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कर होगा, दूसरी तरफ जो है वो अपने डोमेस्टिक पॉपुलेशन को अपना उनको उनकी जो परसेप्शन शेपिंग है, उनका जो बयानिया है, उनके जो खतरात हैं, खदशात हैं, उनको मैनेज करने की कोशिश कर रहा इत्तेफाक की बात यह है कि मुझे भी कीव कई बार जाने का मौका मिला और इसके साथ साथ ओडिशा भी जाने का मौका मिला। मेरे कुछ दोस्त हैं वहाँ से, मैं उनसे जब बात करता हूँ, अपने दोस्तों से जब मैं पूछता हूँ कि हालात कैसे हैं ग्राउंड पे, तो वो इतने ज़्यादा खदशात का इजहार नहीं कर रहे। इस तरह की रिपोर्ट्स जो मेरे दोस्त मुझको बताते हैं मैं मीडिया पर भी देख रहा हूँ। तो आपको इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि जो वहाँ की ग्राउंड्स में सूरत हाल है वो इतनी तश्वीशनाक नहीं बताई जा रही? जी। उसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और किसी वक्त शायद मुझे आपका इंटरव्यू करना पड़े, आप बहुत सारी जगहों पे गए हैं, दुनिया को पता नहीं है, तो हमें आपका भी इंटरव्यू एक दिन करना पड़ेगा कि आपने अपनी जिंदगी में कहाँ कहाँ गए। लेकिन आपके सवाल का जवाब मैं यूं दूंगा कि हमारे मैगजीन में, न्यू लाइन्स मैगजीन में, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमारे एडिटर हैं माइकल वाइस, वो जो है यूक्रेन में कई दिन गुजार के आए हैं, और ऑन द ग्राउंड उन्होंने लोगों के इंटरव्यू किए हैं, और उन्होंने आके एक लंबा सा मजमून लिखा है जिसमें यही बात सामने आई है कि यूक्रेन के अंदर जो है वो जहां तैयारी हो रही है कि भाई अगर जंग हो जाती है तो हमें तैयार रहना चाहिए, दूसरी तरफ एक इत्मीनान भी अजीब किस्म का। वो इत्मीनान इसलिए है कि वो ये देख रहे हैं कि रूस जो है वो अगर आएगा तो कब्जा तो नहीं कर लेगा ना, मुजाहमत का सामना होगा, उनके भी जो है ना नुकसान होगा, कई हजार फौजी रूसी रूस के मारे जाएंगे, लोग यहां जहां मरेंगे वहां वो मरेंगे, फिर उसके अलावा इसी इलाके के अंदर घुस जाना
फौजी कार्रवाई करके वो आसान होता है, लेकिन वो फिर ऐसा ही है जैसे आपकी हलक में एक हड्डी फंस गई है, फिर ना आप उसको नीचे लेके जाते हैं हजम कर सकते हैं, ना आप उसको थूक सकते हैं। तो वो इस वजह से वो समझते हैं कि उन क्योंकि उनको पता है वहां पे हर आदमी जो है वो हथियार लेके घूम रहा है कि भाई पता नहीं कब जंग हो जाएगी। तो हर शहर हर गली कूचा को पे कब्जा करके ऑर्डर बनाने के लिए बहुत बड़ी फौज की दरकार है। ये कोई 1.5 लाख फौज काम नहीं आएगी। 1.5 लाख फौज जो है वो अमेरिका ने इराक में डाली थी। क्या हुआ वहां, वहां की आबादी की जो 80% आबादी थी, उनके जो पॉलिटिकल फैक्शंस थे वो अमेरिका के साथ थे, उसके बावजूद नहीं कर सके। तो यहां तो उल्टी उल्टी जो है सिचुएशन है कि जहां पर जो अक्सरियत है वो रूस के खिलाफ है, कम से कम 50-60% जो कहा जाता तखमीने लगाए जाते हैं कि भाई वो तो नहीं चाहते कि रूस आए। तो अगर वो तैयार बैठे हुए हैं तो इस वजह से वो इत्मीनान है ना, वो भी देख रहे हैं कि यार रूसी पागल तो नहीं है ना कि अगर जो है आ बैल मुझे मार वाला सिलसिला हो जाएगा कि घुस आएंगे, लेकिन फिर जो है वो क्या घुसेंगे, क्यों, क्या मिलेगा उनको घुस के। तो ये वो मजमून है जो मैं आपके देखने और सुनने वालों को मैं रिकमेंड करूंगा कि हमारे वो वेबसाइट पे जाके newlinesmagazine.com पे जाके उसको पढ़ें, क्योंकि तो आज हमने एक और मैग जो है वो इसी इशू के ऊपर एक और मजमून भी शाया किया है। तो वहाँ जो आप सुन रहे हैं ताहिर साहब के लोग जो है वो इस तरह खौफजदा नहीं है, या वो एक अजीब इत्मीनान उनके जो है ना उनके अंदर पाया जाता है, वो उसकी वजह ये है कि वो भी देख रहे हैं कि हम तैयार हैं, इतना आसान नहीं होगा हम पे कब्जा करना। आपको जो है शहरों पे गांवों पे छोटे कस्बों पे कब्जा करने के लिए बहुत बड़ी फौज की दरकार होगी, इंटेलिजेंस एजेंट्स दरकार होंगे, पुलिस दरकार होगी, आपको जो है मतलब नफरी जो है वो सिर्फ फौजी नहीं चाहिए, फौजी तो कब्जा करेंगे, उसके बाद क्या होगा, पहले तो कब्जा कहां तक होगा, कितना कब्जा कर लेंगे, कितने लोग जो है मतलब किस कॉस्ट पे। तो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस लगाया जाता है ना, तो मैं समझता हूँ वो जो वहां पे जो इत्मीनान पाया जाता है वो इसी वजह से कि वो भी जानते हैं रूसियों के साथ उनकी मतलब सेंचुरी से एक दूसरे के पड़ोसी हैं, एक साथ भी रहे हैं, लड़े भी हैं एक दूसरे के साथ, तो एक दूसरे को जानते हैं वो भी। ये ऐसा ही है जैसे कि कोई ये कह दे कि जी कल हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर देगा, भाई वो क्यों करेगा, भाई वो जो उनके अपने प्रॉब्लम्स कम है कि जो वो अब इस पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को इनहेरिट कर लेंगे। तो ये मैं समझता हूँ ये लॉजिक जो है वो मीडिया और एनालिसिस की दुनिया में जो है वो कहीं खो जाती है, कि जब लोग कहते हैं ओ जी बस सदर पुतिन ने तो जो है अब तीसरी या चौथी जंग अजीम करा देंगे। कामरान साहब, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि इस वक्त वाकई यूँ लगता है कि इन दुनिया भर का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पॉलिटिकल लाइंस को टो कर रहा है। मैं इस एंगल को भी ज़रूर छूना चाहूँगा, चूँकि आपकी एनालिसिस की दुनिया पर गहरी नज़र है, इंटेलिजेंस बरादरी को भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मीडिया को भी, एनालिस्ट को भी। तो क्या आपको ये रैशनल जो आप दे रहे हैं कि भाई 1.5 लाख फौज इराक में कुछ नहीं कर सकी अमेरिका की, तो रूसियों की 1.5 लाख फौज क्या कर लेगी यूक्रेन में? मीडिया का जो थोड़ा सा रवैया है कि वही लाइन टो करना जो जिस जिस सरकार के साथ वो एफिलिएट हैं, ये हम पाकिस्तान में जब होते थे तो सुना करते थे कि ऐसा ही होता है, मगर अब अमेरिका और यूरोप में भी यही फजा बन चुकी है, तो इस पे क्या कमेंट्री करेंगे? जी इसमें ये बहुत अहम सवाल आपने किया और बहुत जरूरी है कि लोग इस चीज को समझें कि मीडिया का ऐसा बिहेवियर क्यों है। इसमें ये एक पेचीदा मसला है। पहली बात तो ये है कि मीडिया जो है वो फितरती तौर पे कुदरती तौर पे तजिया नगार नहीं है, मीडिया रिपोर्टिंग करता है, किसने क्या कहा, किसने कितने जो है जहाज भेज दिए, कितने फौजी तैनात कर दिए, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं द हु व्हाट वेयर एंड व्हेन, ये जर्नलिज्म मीडिया का काम है। और इस वजह से अगर वो कोई चीज दोहराते हैं या बताते हैं जो कि तो ये उनका बिजनेस मॉडल है, ये मैं उनका कतकलामी काम की है, माफी उनकी चाहूंगा, मदद। लेकिन इसके साथ साथ वो सेंसेशनलाइजेशन भी तो बहुत कर रहे हैं ना। मैं उसकी जानिब आ रहा हूं कि उसमें एक सेंसेशनलाइजेशन भी होती है। वो सेंसेशनलाइजेशन जो है वो जाहिर है मीडिया के अंदर, मीडिया भी एक कारोबार है ना, बिजनेस है, उसमें आपको खबर लगानी है, उसको थोड़ा सा तड़का लगाना है, मसाला लगाना है, तो आपने जो है और फिर एक
एक रेस लगी हुई है ना, क्योंकि देखें ट्रेडिशनल मीडिया इस वक्त बहुत प्रेशर के अंडर है। यानी आप जो है वो अखबारात को ले लें, और फिर जो टीवी चैनल्स भी थे उसको सोशल मीडिया ने ओवरटेक कर लिया। अब जो है वो उनके पास जो ट्रेडिशनल मीडिया है उनके पास वो गुंजाइश नहीं है कि वो अपने वक्त पर जो है खबर दें, क्योंकि अब तो जो है जिसके हाथ में एक सेलफोन है और वो ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है, यूक्रेन में ऐसी जगह खड़ा है जहां से 2 किलोमीटर दूर जो है वो रूसी फौजी नजर आ रहे हैं, तो वो तस्वीर खींचेगा और बता देगा। और ये एक आम आदमी कर सकता है ना, वो सिटीजन जर्नलिज्म इसी को कहते हैं कि एक आम आदमी तस्वीर खींचता है, कहता है मैं यहाँ खड़ा हूँ इस वक्त, यहाँ ये वक्त जो है ना हुआ जाता है और ये मैं देख रहा हूँ, खबर लग गई। तो वो इस डायनेमिक ने जो ट्रेडिशनल मीडिया है, जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, CNN हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, वायर सर्विसेज हैं जैसे जो है रॉयटर्स है, एसोसिएटेड प्रेस है, AFP है, BBC है, तो ये इन लोगों के लिए ये बड़ा डिलेमा है कि अगर वहां से खबर आ रही है तो फिर हमारी क्या अफादियत है। तो फिर उनको वो एक खबर की डेरिवेटिव बनानी होती है। फिर ये है कि बहुत सारे जो बड़े मीडिया घर होते हैं वो जो है लीक के सोर्सेज होते हैं। जैसे को बहुत ही जो है कभी अगर आपने, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, डेविड सैंगर जो है जो न्यूयॉर्क टाइम्स के हैं, वो हमारे जो है वो जर्नलिज्म और तज्जिये की दुनिया का जो एक वो जो एक सुपर स्ट्रक्चर है या वो जो स्पेस है उनमें जो है ना वो बड़े पाए के जर्नलिस्ट एनालिस्ट पाए माने जाते हैं। और लेकिन उनकी जो खबर होती है वो क्यों है, क्योंकि उन्होंने अपना एक मुकाम बना दिया है और उनको अमरीकी जो हुकूमत के जो इदारे हैं, बिलखसूस जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उनके साथ उनके सोर्सेज हैं, लोग उन पर एतबार करते हैं। अगर कोई खबर कभी किसी को लीक करनी हो, कुछ देना हो, तो वो डेविड सैंगर को देंगे क्योंकि उनकी बहुत रिस्पेक्ट है और उनकी बात को जो भी वो लिखेंगे लोग उनको मानते हैं, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, कभी उन्होंने जो है वो सेंसेशनलाइज नहीं किया। तो ये भी एक एलिमेंट है कि जो है गवर्नमेंट जो है वो मीडिया को के थ्रू जो है वो परसेप्शन शेपिंग करती है। ये कुदरती अमल है ना, ये गलत है ना ये सही है, इसके ऊपर हमें वैल्यू जजमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो उसके अलावा जो है फिर जब ये रेस लगी हुई होती है एक दूसरे को आउटडू करने के लिए, तो फिर ये जो नॉइज है, जो यानी एक जमाने में चंद अखबारात थे, चंद टीवी चैनल थे, अब चूंकि सोशल मीडिया भी आ चुका है, इंटरनेट भी आ चुका के बाद पहले इंटरनेट आया फिर सोशल मीडिया आया, तो ये इसने क्या किया है कि इसने उस नॉइज को एम्पलीफाई कर दिया कि जो जो है जितना ज्यादा जो ज्यादा बढ़ चढ़ के जो है खबर बता सकता है। फिर आप खबर के साथ साथ जो है आप एक हद तक खबर भी सुना सकते हैं, बार बार उसको तो रिपीट नहीं कर सकते ना, तो फिर आप लोग जो है वो एक्सपर्ट एडवाइस वो क्या नाम है एनालिसिस के लिए लोगों को बुलाते हैं। हर कोई चाहता है कि मतलब जो भी कोई बड़े से बड़ा एनालिस्ट, बड़े से बड़ा साबिक जो है फौजी या इंटेलिजेंस ऑफिशियल या जो है हुकूमती इदारे से कोई ताल्लुक रखने वाला डिप्लोमेट, उसको लेके आए, भाई आप बताइए आपकी जो है मतलब राय में ये क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। फिर तरह तरह की आरा आती हैं। तो ये एक, और ये अब रियल टाइम में हो रहा है क्योंकि अब हर जो है मीडिया ग्रुप सोशल मीडिया पे जो है बैठा हुआ है। सोशल मीडिया ट्रेडिशनल मीडिया का भी वो वायम जो मीडियम बन चुका है कि उसके थ्रू वो ऑपरेट कर रहे हैं। आपका जो वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बढ़ जाता है। जब आपका वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ जाता है तो, और वक्त नहीं होता, तेजी है, मतलब ये यहाँ पे स्पीड मैटर्स मोर देन एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी सेक्रीफाइस होना शुरू हो जाती है। तो यहां पर मेरे जैसा आदमी आके कहता है भाई जरा रुकिए, थोड़ा थमिए, थोड़ा यहां पे सांस लेते हैं, तो देखते हैं कि भाई हो क्या रहा है। हमारे लिए भी मुहिम है क्योंकि इतनी तेजी से हालात बदल रहे हैं, और हमारी थिंक टैंक न्यू लाइंस में हम यही जो है आजकल हम मौजूद सुखन है, बहस है कि भाई हम अपने जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटीज है उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं, कि इतना इंफॉर्मेशन है, इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, तो हम अपने आप को कैसे जो है कटिंग एज रख सकते हैं। तो ये सबके ऊपर है। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से वो सारे जो इस तरह के जो सेंसेशनल या अलार्मिस्ट खबरें हैं वो इस पूरे डायनेमिक का नतीजा है। कामरान साहब, आपने शुरू में जो बात की वो आपके अभी इस जवाब में
काफ़ी तफसील से बयान होती है। आपने कहा कि इन्फो ऑपरेशन चल रहा है, चाहे वो रशिया की तरफ से हो चाहे वो वेस्ट की तरफ से हो, और बीच में जो यूक्रेन है वो एक बहरहाल अच्छे साइज़ का कंट्री है, वो वहाँ पे ही रहेगा। अब आप ये बताइए कि कुछ कमेंटेटर्स ये भी कहते हैं कि जो अमेरिका के अंदर के इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सदर बाइडेन की रैंकिंग भी नीचे जा रही है और भी जो इंटरनल इश्यूज हैं, अमेरिका इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, वो भी उनको सूट करता है कि इत्तेफाक से जो रशिया ने किया, मैं इस पर तो अगले सवाल में आऊँगा कि रशिया ने क्यों ऐसा किया कि क्यों फौजें बिल्कुल सरहद पे खड़ी कर दी, लेकिन ये अमेरिका को भी सूट कर रहा है कि अब रशिया ने कर ही दिया है अपनी ज़रूरत की वजह से, तो हम ज़रा आवाम की तवज्जो भी हटाएं। और फिर हमारे इलेक्शन में रूस के ख़िलाफ़ बहुत बातें भी थी, हमने हमेशा कहा डेमोक्रेट्स ने कि भाई रूस ने हमारे इलेक्शंस ख़राब करने की कोशिश की है, तो अब हमें मौका मिल गया। क्या ये फैक्टर भी आपको नज़र आता है? जी बिल्कुल है, लेकिन ये वो कहते हैं ना कि ये वो अपना टू एज स्वॉर्ड है, यानी ये इस तलवार की दो जो है वो धारें हैं, दो एजेस हैं, जो कि दुश्मन पे भी मतलब खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है और आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। यू मैं मेरा कहने का मकसद ये है, इलेक्शन का साल है, मिड टर्म इलेक्शन है, और मिड टर्म इलेक्शन किसी भी नए सदर के लिए बहुत अहम होते हैं, कि और खास तौर पे इस सदर के लिए, जो बाइडन के लिए, कि जिसकी जमात जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी जो है रेजर थिन जो है मेजोरिटी है सेनेट के अंदर, वहां पे अगर वो कामला हैरिस ना हो नायब सदर, तो वो जो जो अगर टाई हो जाता है, क्योंकि सीटें बराबर हैं, तो उनके पास वोट, वो टाई ब्रेकर वोट है, तो सेनेट में तो उनके पास कोई अक्सरियत नहीं है, लेकिन जो हाउस में अक्सरियत है वो भी बहुत छोटी सी है, बहुत थोड़ी सी अक्सरियत है, कोई महल में लगभग 20 सीटों का फर्क है। और अमूमी तौर पे होता यह है कि जो नया सदर होता है, नया इलेक्ट होके आता है, 2 साल के बाद उसके लिए बहुत बड़ा टेस्ट होता है कि क्या उसकी जमात वो इलेक्शन में जो एक तो जो 435 जो है जो सीटें हैं हाउस की, क्या उनमें अक्सरियत बरकरार रख सकेगी, और सेनेट की जो सीटें अप फॉर ग्रैब्स होती हैं, सारी नहीं होती, क्योंकि सेनेट का जो टर्म होता है वो 6 साल का होता है सेनेटर का, कांग्रेसमैन का या कांग्रेस वुमन का जो है वो 2 साल का होता है, तो क्या वो अक्सरियत बरकरार रख सकें, ये बहुत बड़ी चीज है, और खास तौर पे एक ऐसे वक्त में जब एक जो है ना आपकी जो एक तरह से एक रिकॉर्ड इन्फ्लेशन हो रही है 7.5%, जो बड़े जमाने में नहीं देखी गई अमरीका के अंदर, उसके अलावा अफगानिस्तान में जो हालात हुए, जहां से इनखला हुआ इनकी वॉच के ऊपर, उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा वो बहुत ही खराब तरीके से, भोंडे तरीके से वो इनखला किया गया, तो वो सारे नेगेटिव प्रेस मिल रही है, तो जो 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 अपना पॉजिटिविटी के साथ जो है, जो उनके मतलब आए थे जब सदर जो बाइडन हुकूमत में और उस वक्त जो है वो एक एंटी ट्रंप वेव था, तो अब रिपब्लिकन्स को मौका मिल रहा है कि भाई वो किसी तरीके से जो है वो इसको काउंटर करें, तो ठीक है कि आप रूस को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस जो रूस ने जो इकदाम किया है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हालात आपके काबू से बाहर हो जाते हैं, जंग हो जाती है, या रूस कोई ऐसी चीज कर देता है जिससे कि आपकी नाअहली और नजर आती है कि यार ये क्या हुआ कि जो है ऐसी चाल चल दी कि चेकमेट कर दिया पुतिन ने बाइडन को, तो फिर वो इलेक्शन में आपके खिलाफ जा सकती है, तो ये जहां इसको इलेक्शन के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है, वहां ये भी बाखूबी तौर पे जाना जाता है कि भाई ये हमारे खिलाफ, मैं समझता हूं कि इस पे डिफेंस पे डिफेंसिव मोड में है बाइडन इंतजामिया, वो इसको बरुए कार तो क्या लाएंगे, वो ये बस देखना चाहते हैं कि भाई कुछ ऐसा ना हो कि नवंबर में जो इलेक्शन है वो हमारे खिलाफ, वो हमारे लिए वो नुकसान ना हो जाए इलेक्शन के अंदर, और डेमोक्रेटिक पार्टी कांग्रेस के अंदर वीक ना हो जाए, क्योंकि अगर वीक हो जाएगी फिर सदर बाइडन जो है वो जो भी कानून साजी करना चाहेंगे या जो भी पॉलिसी साजी करना चाहेंगे उसके रास्ते में रुकावटें होंगी, सो ये जो है बहुत जरूरी है समझना कि उसको इस्तेमाल करने से पहले पहले ये देखना है यार ये हमारे खिलाफ ना इस्तेमाल हो जाए, तो वो ज्यादा अहम है बजाय इसके कि ये कहना कि ये इनके लिए कोई जो है वो सियासी तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इससे हम ये भी मुराद ले सकते हैं कि जो आज की दुनिया में हो रहा है
उसके जो भी कॉन्सिक्वेंस हो वो कंट्रीज पर कम होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पर ज्यादा होते हैं। ये तो खैर मेरी कमेंट्री है। मैं इसके साथ जो सवाल जोड़ना चाहता हूँ वो ये है कि रशिया ने जो अपनी इतनी भारी तादाद अफवाज की वहाँ पे भेजी बॉर्डर्स के पार, तो क्या रशिया नेगोशिएट करना चाहता है वैसे कि जो हमारे ऊपर पुरानी सैंक्शंस लगी हुई हैं वो हटा दो, या हमारे साथ जो ज्यादतियाँ उनके मुताबिक जो ज्यादतियाँ हैं वो ख़त्म कर दो? तो रशिया का क्या ये नुक्ता नज़र बुनियादी तौर पर ये था आपकी राय में? जी देखें, रशिया जो है वो इस वक्त बहुत ही एक, मैं समझ रहा हूँ, डिफेंसिव मोड में है। क्यों? क्योंकि गुजश्ता 30 साल से, जब से सोवियत यूनियन का कलाकामा हुआ, जो इम्प्लोजन हुआ 1991 में, तो उसकी जगह जो रशियन फेडरेशन ने ली, पहले सोवियत यूनियन होता था, बहुत सारे जो इलाके ममालिक थे या रिपब्लिक्स थे, इसमें यूक्रेन, बेलारूस, फिर बाल्टिक स्टेट्स, ये कॉकेसस के अंदर जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, सेंट्रल एशिया के रिपब्लिक्स वगैरह, ये सब के सब जो है आजाद हो गए। तो रूस बहुत कमजोर रियासत के तौर पे सामने आया 90 की दिहाई में, और एक केओस का समा था कि जहां पर जो है वो कम्युनिस्ट निजाम भी गिर गया, जो है रूस की रियासत, मॉस्को की रियासत कमजोर हो गई। तो उसको जो है रिवाइव करने में उस वक्त जो वेस्ट को एक बहुत बड़ा मौका मिला था, जो कि अपना जिसका पूरा फायदा वेस्ट ने उठाया, और उससे यानी जो वेस्टर्न जो इन्फ्लुएंस है वो फॉर्मर सोवियत यूनियन के इलाके जात में फैल गया। तो बाल्टिक स्टेट्स यानी एस्टोनिया, लिथुएनिया और लाटविया जो है वो तो नेटो का हिस्सा बन गए। उसके बाद जो है जो ईस्टर्न यूरोप के ममालिक थे जो कि सोवियत यूनियन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वॉरसॉ जो कैंप था, जो वॉरसॉ पैक्ट था, जो ब्लॉक था, जो एंटी नेटो ब्लॉक था सोवियत यूनियन का, उसका तो हिस्सा थे, जिसमें जो है मशरकी जर्मनी भी था, पोलैंड भी था, हंगरी भी था, रोमेनिया, ये जितने स्टेट्स हैं जो ब्लैक सी के इर्द गिर्द, तुर्की के जो है मगरब की जानब जितने रियासतें थी, ये सब उसका हिस्सा थे। तो यहाँ पे भी मगरब आ गया, यहाँ पे डेमोक्रेटिक जो है ये रेवोल्यूशन आए, एंटी कॉम्युनिस्ट जो कॉम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स थी वो गिर गई और ये मगरब का हिस्सा बन गए, फिर यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा बन गए। यूक्रेन जो है वो स्ट्रेटिजिकली ऐसी जगह पे लोकेटेड है कि जहां पर ये रूस के लिए बहुत खतरनाक है कि अगर यूक्रेन जो है वो पूरी तरीके से मगरबी कैंप का हिस्सा बन जाता है, यानी ना सिर्फ वो वहां पे एक जमहूरी हुकूमत हो, एंटी रशियन हुकूमत हो, बल्कि वहां पे आपके जो उसकी मेंबरशिप जो है वो नेटो में हो जाए, तो ये तो बहुत ही एक, जिसे कहते हैं ना, रेड लाइन है रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फिर मगरबी जो कैंप है वो कुछ चंद 100 किलोमीटर दूर है मॉस्को से, तो उसमें ये जो है ये नाकाबले बर्दाश्त एक सिचुएशन है रूसी रेजीम के लिए। और सदर पुतिन जब 99-2000 में सदर बन के आए थे, वो इसी मैंडेट पे आए थे कि उन्होंने रूस को दोबारा से एक दुनिया की बड़ी ताकत बनाकर छोड़ना है, और जो उनके जो वो नुकसान हुआ है सोवियत यूनियन के गिरने के बाद, उसको दोबारा से जो है तो उसको रोल बैक करना है, और मॉस्को की पोजीशन को दुनिया के अंदर मगरब के ममालिक के खिलाफ जो है वो मजीद मुस्तहकम करना है। तो ये उसका सिलसिला है। यूक्रेन रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटेजिकली दुनिया में सबसे ज्यादा अहम, अगर कोई जियोपॉलिटिकल रियल एस्टेट है, वो यूक्रेन का इलाका है। ये तारीखी तौर पे इसके ऊपर बड़े बड़े मजामीन लिखे जा चुके हैं। ये एक रेड लाइन है, और इस वजह से अब मैं समझता हूं जो है रूस की तैयारी भी मुकम्मल हुई है। फिर हालात भी ऐसे थे कि वेस्ट में डिस्ट्रैक्शन थी, कोविड था, और अमेरिका के अंदर भी जो है वो सियासी और इकोनॉमिक अदम इस्तेहकाम है, तो ये मैं समझता हूँ इसका मौके का फायदा उठा के फाइनली सदर पुतिन जो बड़े अरसे से करना चाह रहे थे उनको मौका मिल गया। उन्होंने कहा, भाई देखो, हम चाहते हैं कि तुम ये गारंटी दो कि यूक्रेन जो है वो मगरब का हिस्सा नहीं बनेगा, और उसके ऊपर हमारे साथ डील करो, और अगर डील नहीं करते तो फिर हम जंग भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, ये एक अलग बहस है। वो जैसे प्रोग्राम के शुरू में मैंने जिक्र किया, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रूस को भी देखने हैं, मगरब को भी देखना है, लेकिन हदफ ये है कि जो ब्लैक सी का जो लिटरल बेसन है, जो जो ब्लैक सी बेसन है, नेटो और ईयू और मगरबी जो सिविलाइजेशन है
वो उसकी मगरिब की जानब रहे, इधर मत आए, ना जॉर्जिया में आए, ना ही बेलारूस में आए, ना ही यूक्रेन में आए। लाटविया और एस्टोनिया और जो अपना लिथुएनिया है, जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, वो तो हाथों से निकल गए क्योंकि वो ऑलरेडी नेटो का हिस्सा है, वो छोटे ममालिक हैं, उनकी कोई इतनी अगर वो चले भी गए हैं तो उस तरीके से जो है रूस उससे मतलब खतरा महसूस नहीं करता। लेकिन अगर यूक्रेन हिस्सा बन जाता है, इतना बड़ा मुल्क मगरबी कैंप का हिस्सा बन जाता है, फिर जहां आज जमहूरियत और नई रेजीम जो है, जो 2014 में आई थी यूक्रेन के अंदर, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो फिर मॉस्को में भी आ सकती है। तो जो पूरे का पूरा रेजीम चेंज का जो खतरा है, वो रूस को ड्राइव कर रहा है इन तमाम इकदाम के जाने। और आखिर में मैं जो दो बातें मुख्तसर तौर पर आपसे जानना चाहूँगा, एक तो ये कि क्या यूक्रेन, जिसकी आबादी में आज भी कोई 30-40% रशियन नजाद लोग हैं, क्या इस सूरत हाल में यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन पाएगा? नहीं, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ ये बैटल ग्राउंड रहेगा, ये बैटल स्पेस रहेगा। ये तो बात जो है, अब मैं समझता हूँ अगर कोई चीज इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस का हिस्सा नहीं है, जो मगरब की जानब से आ रही है, यानी यूरोप और अमेरिका की जानब से आ रही है, वो ये है कि वो जब वो ये कहते हैं सदर पुतिन को कि यूक्रेन जो है वो अनकरीब नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, ईयू का हिस्सा नहीं बनेगा, मैं समझता हूँ वहां वो सच्चे हैं। क्योंकि जहां रूस का जो है काबज हो जाना यूक्रेन के ऊपर एक नामुमकिनात में से है, यानी उसकी कीमत बहुत बड़ी है जो अदा करनी पड़ेगी, और वो कहते हैं कॉस्ट प्रोहिबिटिव हो जाता है। इसी तरीके से अभी यूक्रेन उस मोड़ पे नहीं है कि जहाँ ठीक है जमहूरियत है, इलेक्शन होते हैं, एक पॉपुलर अपराइजिंग हुई, प्रो रशियन गवर्नमेंट चलेगी, लेकिन इतनी वहां करप्शन है, इतना वहां पर जो है अदम इस्तेहकाम है, और एक कमजोर रियासत है। मेरा भी फॉरेन पॉलिसी पे एक मजमून भी आया था इस चीज के ऊपर कि यूक्रेन को किस तरीके से रूस से इंसुलेट किया जाए। वो जंग के थ्रू नहीं होगा, वो वहां के जो गवर्नमेंट का जो ढांचा है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको इस्तेहकाम बख्शने की जरूरत है, और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ यूक्रेन अब जो है एक फोर्सिएबल फ्यूचर तक एक कंटेस्टेड बैटल स्पेस रहेगा बिटवीन रशिया एंड अपना अमेरिका। ये बात खत्म नहीं हो जाएगी। आज अगर डील हो भी जाती है तो वो मैं नहीं समझता पायदार होगी, क्योंकि कोई भी किसी दूसरी साइड पे पूरी तरीके से यकीन नहीं करता। आज डील बनाएंगे, कल आप तोड़ भी सकते हैं। तो अगर रूस कहता है कि मैं जंग नहीं करूंगा और अमेरिका डील साइन कर सकता है, तो अमेरिका अपने घर में जाके जो है वो चैन की नींद तो नहीं सो सकता कि अच्छा भाई अब रूस नहीं हमला करेगा। इसी तरीके से रूस को अगर हम ये यकीन दिला दें कि भाई हम इसको मगरब का हिस्सा नहीं बनाएंगे, नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, ईयू का मेंबर नहीं बनेगा, वो हम पर क्यों यकीन करेंगे? क्योंकि ये जो है अकदार की जंग है। रूस जो है वो डिफेंस प्ले कर रहा है, क्योंकि दुनिया के अंदर जो है जैसे भी है लूली लंगड़ी जमहूरियत है, जमहूरी इकदार फैल रहे हैं, ठीक है, और जो ऑटोक्रेटिक निजाम है दुनिया के अंदर वो अनसस्टेनेबल है। लगता है कि चीन बहुत बढ़ रहा है, लगता है कि रूस बहुत बढ़ रहा है, लेकिन ये अंदर से खोखले हैं, इनके पास सॉल्यूशंस नहीं है। जहां जमहूरियत पूरी तरीके से सराहियत नहीं कर पाती, वहां पे आमरियत जो है का और भी बहुत बुरा हाल है। और बहुत आखिर में मैं जानना चाहूँगा, मैं जब भी सुबह कॉफ़ी लेने जाता हूँ तो उसका जो ऑनर है शॉप का, वो एक इटालियन है, मुझे वो जानता है बहुत अरसे से कि मैं एक सहाफ़ी हूँ, तो मुझसे वो डेली पूछ रहा है आजकल कि क्या फिर जंग होगी। तो मैं अपने ओपिनियन देता हूँ कि शायद नहीं होगी। आप अपना ओपिनियन कैसे देना चाहेंगे? मैं नहीं समझता कि कोई जंग करना चाहता है, नीयत नहीं है किसी की भी जंग की। मतलब यहाँ बात अमेरिका कहता है हम तो नहीं करना चाहते, अगर पुतिन करेगा तो फिर हमें कुछ करना पड़ेगा, हम देखते हैं क्या होगा। और पुतिन साहब कहते हैं हम जंग नहीं करना चाहते। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, किसी की बात पे नहीं जाया जा सकता। अगर जंग होती है तो मिसकैलकुलेशन की वजह से होगी। अगर जंग होती है तो चूंकि सदर पुतिन ने अब इतनी मोबिलाइजेशन कर ली है, और अगर उनको ये जो बार्गेनिंग हो रही है, नेगोशिएशंस हो रहे हैं, इसमें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं होती, तो हो सकता है कि वो कुछ छोटी मोटी कार्रवाई करें। लेकिन जैसे हमने माजी में देखा कई दफा, छोटी मोटी कार्रवाई बहुत बड़ी बन जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जंग चाहता है, और जंग के इम्कानात हैं, लेकिन
हमारे कारोबार में कहा जाता है नेवर से नेवर, और प्रिडिक्शन जो है ये, इसके ऊपर कोई आप प्रिडिक्शन नहीं दे सकते क्योंकि वेरिएबल्स बहुत ज्यादा हैं और वो सब इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं, कौन क्या किस वक्त क्या हो जाए, किसी की जानब से कोई गलत सिग्नल चला जाए, अमेरिका की जानब से कोई जहाज उड़े तो हम रूसी उसको कोई जारहाना तौर पे ले लें तो कह दें कि जी ये तो अमेरिका जो है को कार्रवाई करने लगा है, तो आप पहले से कार्रवाई कर दें, तो मिस कैलकुलेशन का खतरा बहुत है, लेकिन ये है कि होपफुली जो है इंशाल्लाह जंग नहीं होगी। और बहुत ही आखिर में मुख्तसर कोई ऐसी बात जो आप इस कॉन्टेक्स्ट में समझती हो कि हम मिस कर रहे हैं आज की गुफ्तगू में, आप शामिल गुफ्तगू करना चाहें तो? ये बस एक बात दोहराना चाहूंगा, वो ये है कि जब आप खबरों को देखते हैं तो जू का तू मत लीजिए, जो है हर शख्स जो है को खुदा ने जो है अकल बख्शी है, आप जो है सुनने और देखने वालों को मैं यही कहूंगा कि वो अपने जहन को इस्तेमाल करें और देखें कि मतलब वो जो आप सुन रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है, और जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए और बाखबर रहिए, क्योंकि बाखबर नहीं रहेंगे तो जो है वो आप महरूम हो जाएंगे उस सलाहियत से कि आप ये देख सकें कि आपकी जिस दुनिया में आप बसते हैं वहां क्या होने वाला है। और बड़ा जरूरी है कि एक ऐसे माहौल में जहां पर आपको बम्बार्ड किया जा रहा है इंफॉर्मेशन के साथ, चैनल पे चैनल खुले हुए हैं, ठीक है, यूट्यूब में जो है बहुत सारे सोर्सेज हैं, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, मतलब जराए अबलाग बढ़ चुके हैं, तो आप इसमें और भी जिसे कहते हैं ना वो होश रखने की जरूरत है। मुश्किल काम है लेकिन ये हम अगर सब मिलके करेंगे तो मेहनत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब, उम्मीद है आपके साथ जब अगले हफ्ते बात होगी तो वो जो रिपोर्ट जिसका मैं ऑफ द कैमरा आपसे जिक्र कर रहा था कि अफगानिस्तान के तालिबान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बनते चले जा रहे हैं, इस पे गुफ्तगू हमारे व्यूर्स आपके साथ जरूर देखना और सुनना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया व्यूर्स, बात ही सुन रहे थे आप कामरान बुखारी साहब की, वाशिंगटन से हमारे साथ अपनी आरा का इजहार कर रहे थे। आप बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स के लिए लिखते हैं, आपका अपना थिंक टैंक है, इंटेलिजेंस बरादरी को बहुत करीब से समझते हैं, मीडिया को करीब से समझते हैं और वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी इनके आर्टिकल जाते रहते हैं। हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ आप इसके डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आज का बिला तकल्लफ तजिया मेरे साथ और कामरान बुखारी साहब के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.